हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हर एजुकेशन एंड मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सीयू सेट एंड एडमिशन प्रोसेस 2021 फॉर द ऑल यूनिवर्सिटीज। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पीसी जोशी जो वाइस चांसलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बोला है कि मेरिट बेस पे आपके एडमिशन होंगे और 15th ऑफ जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि भाई हमने सीयू सेट का भी जो प्रपोजल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दे दिया है, उसके ऊपर एनटीए के थ्रू हम अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और इसका जो फाइनलाइजेशन है हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस डिस्कशन को लेके आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है जिसके अंदर जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इन सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स आज इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। ये न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइम्स नाउ के थ्रू। और इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि नीट और जेईई की जो एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं उनके डेट्स को लेके भी इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन होगा। और सीयू सीटी को लेके क्या बात हुआ है, द एचआरडी ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वुड कंडक्ट अ मीटिंग विद द वाइस चांसलर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज टुडे। द एजेंडा ऑफ मीटिंग इट इज बीइंग टोल्ड इज अ डिस्कशन ऑन सीयू सेट ऑन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021। वीसीज ऑफ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया एज वेल एज आईपी एंड अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आर लाइकली टू अटेंड द मीटिंग। द मेथड एंड प्रोसेस ऑफ एडमिशन टू न्यू एकेडमिक सेशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कस्ड। तो मैंने आपको पहले भी बोला था और मैं सब लोगों को यही बोलता हूं कि भैया आप ऑटोमेटिक एडमिशन के पीछे मत पड़ो, क्योंकि अभी जो हो रहा है सीबीएसई का रिजल्ट बन के आ रहा है आप लोगों के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कह रहा है कि हम इसी स्कोर को ले लेंगे और आपको एडमिशन दे देंगे, मतलब बच्चे को कुछ करना ही नहीं पड़ा, घर पे बैठे हुए हैं और एक तरीके से लॉटरी सिस्टम चल रहा है कि भाई किसको कितनी परसेंटेज मिल गई और कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज का आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, सीधा आपके घर पे एडमिशन का लेटर आ जाएगा कि आपके इतने नंबर दिए थे सीबीएसई वालों ने, आपकी इतनी परसेंटेज आ गई थी और हमने आपको ये वाला कॉलेज अलॉट कर दिया है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, अब आप जाके कॉलेज में अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। मतलब बच्चे ने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक एडमिशन आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक जो एक जेन्युइन तरीका होना चाहिए, राइट कैंडिडेट जो होना चाहिए उसका असेसमेंट तो आपने लिया ही नहीं कि कौन वर्दी करता है। अब आपको पता है एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही टॉप कॉलेजेस आते हैं। अब वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भाई हर एक का हक बनता है कि अप्लाई करने का, वहाँ पे हर एक का हक बनता है कि भाई हम भी फाइट कर सकते हैं सीट के लिए, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं रही है। अब सीधा आपको दे रहे हैं मतलब 12th की जो मेरिट आई उसके ऊपर आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। अभी तक ऐसा उन्होंने एक सजेशन दिया है और वाइस चांसलर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बोल दिया कि भाई अभी तो ये हो रहा है फिलहाल में, बाकी सीयू सेट का हम देखते हैं। तो वही चीज आज डिस्कस होने वाली है और मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि भाई सीयू सेट आपके लिए अच्छा है, एंट्रेंस हो चाहे मेरिट हो हर चीज के लिए तैयार रहना है। और मेरिट एक तरीके से मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक एडमिशन है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोगों को जैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और फिलहाल के लिए तो अपडेट ये है कि जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उन्होंने बोला कि हम हर साल की तरह एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी बोला कि हम अपना एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये बोल दिया कि भाई हम मेरिट बेस्ड एडमिशन लेंगे। अब इस चीज़ को लेकर आज चर्चा होगी, तो लेट सी कि क्या इसका रिस्पांस आता है। और होपफुली आपको वीडियो सारी अच्छी लग रही होंगी क्योंकि मैं आप लोगों के मतलब की ही वीडियो बनाता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके एडमिशन सेशन 2021 के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन लिखे, और हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर वो भी ज़रूर आप शेयर करें अपने ओपिनियंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू।